नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, लेट द नंबर 2, b, c बी रियल बी एन एपी और ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स गिवन है उनको. इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 to 16 क्लोज्ड इंटरवल में लाई करता है, तो सी बताना है हमको कि सी जो है वो कहां पर लाई करे. थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा इसका. वैसे ये दो ऑप्शन तो देख के डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है या ओपन है, तो इन्हीं दोनों में 50-50 तो हम लगा ही सकते हैं. लेकिन अभी हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, ये सी लाइन होगी इधर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा. यहाँ पर हमको गिवन है 2, b, c एपी में है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं कि 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + c, देन b इक्वल टू 1 + c/2. ये हमको b की वैल्यू गिवन होगी. अब ये b की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a में, 1, 1, 1, 2, 4, b इक्वल टू 1 + c/2, 1 + c² / 4 प्लस 2ab. जब करेंगे तो सिर्फ c आ जाएगा, और यहां पर भी b और b स्क्वायर था, यहाँ c और c स्क्वायर. ये हमारा डिटरमिनेंट यहां तक आ गया. अब हम इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा, लेकिन हमारी ये आदत रहती है, हमारी ये कोशिश रहती है कि इसको पहले थोड़ा जीरो बना ले, क्योंकि जीरो बनने के बाद ये ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाता है, और जिनमें ताकत है वो डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर देते हैं और कर लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा छोटा करेंगे. जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें 1, 0, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें 2, 0. तो R2 में ऑपरेशन करेंगे R2 - 2R1, और R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 - 4R1. R1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 0 बनेगा. ये 2 बन जाए 2 और ये 4 बन जाए 4, तो 0. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो 1, 1, 1, सेकेंड में हमने किया तो R2 - 2R1 करेंगे 0, R2 - 2R1 1 + c/2 - 2. यहां पर कितना हो जाएगा R2 - 2R1 c - 2. यहां पर कितना हो जाएगा R3 - 4R1 0, 1 + c² / 4 + c - 4, और यहां पर c² - 4, और ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए की आ गई. अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 1 + c/2 क्या हो जाएगा, c/2 - 1, तो c/2 - 1 को हम यहां पर नोट कर देते हैं. 1, 0, 0 यहां पर आ जाएगा 1, और यहां पर 1 आ गया. यहाँ पर c - 2/2 हो जाएगा, c/2 - 1, 2 एलसीएम ले लिया. यहाँ पर c² / 4 + c - 4, तो c² + 4c - 12/4, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो c - 2, और यहाँ पर c + 2 और c - 2. ये c इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 6 × 2 = 12, 6 - 2 = 4 आ जाएगा. तो ये फैक्टराइज होके वैल्यू हमारे पास बन जाएगी. यहां से c - 2 पूरा कॉमन दिख रहा है हमको, यहां से c - 2 कॉमन दिख रहा है, यहां से भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो इसके फैक्टर में मिल जाएंगे c + 6 और c - 2. इसको मैं यही कर लिख देता हूँ, इसके फैक्टर क्या मिल जाएंगे, c + 6 और c - 2/4. ये इसी की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सके. फिर एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पर हमारे पास जमीन है कम, तो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट काम करना पड़ेगा. तो ये c - 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से c - 2 यहाँ से भी कॉमन हो गया, तो c - 2 का² / 4 कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे 2, बल्कि यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, और यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेते हैं. चलिए तो ये इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, ये आ गई वैल्यू 1, 0, 0, और यहाँ से c - 2 कॉमन हो गया, और यहाँ से c - 2, तो c - 2 का होल स्क्वायर हो गया. यहां से भी अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 0 और यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर c - 2 कॉमन ले लेंगे, तो c + 6 आ जाएगा, अपॉन में 4 भी ले लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गया c - 2 का होल स्क्वायर, यहां से अपॉन में 2 लिया और यहां से अपॉन में 4 ले लिया, तो 8 हो गया. अब यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, 0, 0, यहां पर वैल्यू आ गई 1, और ये 1 हो गया. आगे यहां से c - 2/2 पूरा कॉमन ले लिया था हमने, तो यहां पर 1 आ गया,
और यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने 2 ले लिया ना, तो हाँ तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 ले लिया। देखिए ना, c माइनस 2 बाई 2 लिया था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ c माइनस 2 बाई 2 हो जाएगा, और उसमें करेंगे तो सिर्फ c माइनस 2 बाई 2, तो 2 2 कट हो जाएगा, c माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर हमने c माइनस 2 कॉमन लिया है, तो c प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर, c प्लस 6, यहाँ पे अपॉन में पूरा 4 भी कॉमन लिया है, तो c प्लस 6 बचा, c माइनस 2 अपॉन 4 पूरा कॉमन है, और यहाँ पर c माइनस 2 अपॉन 4 कॉमन लिया था, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, c प्लस, यहाँ c प्लस 2 बचेगा क्योंकि c माइनस 2 कॉमन लिया है, तो 4 टाइम्स c प्लस 2। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर देते, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 टाइम्स c प्लस 2, ये माइनस, ये माइनस 2 टाइम्स c प्लस 6, और इन सबके मल्टीप्लाई में है c माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 भी कॉमन आ गया, c माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, 2 हमने और कॉमन ले लिया तो 2 कट हो गया, तो यहाँ बचा 2c, 2 बचा 2c प्लस 4, और माइनस 2 कॉमन हो गया, माइनस सी और माइनस 6, तो ये वैल्यू आ गई c माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, c माइनस 2, तो कुल मिला के ये c माइनस 2 का होल क्यूब आ गई। यहाँ अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो भी कैलकुलेशन गलती होता है, यहाँ पर हमने c माइनस 2 बार बार फैक्टर लेके कॉमन निकाला है। अब ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a आया है, ये लाई कर रहा है 2 to 60, तो c माइनस 2 का होल स्क्वायर लाई कर रहा है c माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 4 बिलोंग्स टू 2 to 60, देन c माइनस 2 होल क्यूब बिलोंग्स टू 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, और 16 4 जा हो जाएगा 64, तो c माइनस 2 होल क्यूब, अगर क्यूब रूट ले लें इसका, तो ये 2, 4 आ जाएगा, और 2 को इधर भेज देते हैं, तो c बिलोंग्स टू 4, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। इसने थोड़ी सी मेहनत करवाई है, कोई बात, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया c बिलोंग्स टू 4 to 6, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। एक एक स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया हुआ, देखिए और सॉल्व करिए, कई बार डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, ओके।